स्वागत है दोस्तों आप सभी के हमारे चैनल यूजी एंड पीजी क्लासेस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बता दें आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये पार्ट थर्ड आपको आज प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। इससे पहले हम लोग 1 to 50 तक देख चुके हैं, पार्ट वन एंड पार्ट टू को मिलाकर, ठीक है। इसके बाद अभी हम लोग देखेंगे पार्ट थ्री। जी हाँ, तो इसके पहले हम लोग पार्ट वन और पार्ट टू को हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्ट थ्री को। तो अगर आप देख पा रहे हैं इस वीडियो पे, ये इसका जो इमेज है वो इस तरह का है, ठीक ना। तो आप अपने फ़ोन में जैसे भी हो, जैसे भी मतलब आप कंफर्टेबल महसूस कर पा रहे हैं, वैसे आप इसको डिस्प्ले साइड को, लाइट को ठीक कर रख सकते हैं, ठीक है। और क्वालिटी की बात किया जाए तो क्वालिटी को आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। अब बात किया जाए, इसको मैं इस तरह से ऐसे इसलिए रखा हूँ ताकि आपको अच्छे से इसमें दिख जाए। पिछले वीडियो में, एक दो वीडियो में बताया गया था कि सर ठीक नहीं दिखता है, इसलिए क्लियर इमेज को किया जाए सर, तो मैं इसको क्लियर करने की कोशिश किया हूँ, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को पार्ट थर्ड। ये पार्ट थर्ड है, इससे पहले पार्ट फर्स्ट और पार्ट टू, पार्ट वन और पार्ट टू हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो इसमें ये है आपका डिफेंस एग्ज़ाम के लिए, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, बिल्कुल पूछा ही जाता है और वो बिल्कुल ज़रूरी है, ठीक है। इसमें अभी हम लोग 51 से लेकर 70 तक पूरा करेंगे एक ही वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत यूजी एंड पीजी क्लासेस चैनल पे, बिल्कुल बने रहिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें है 51 नंबर, मैट्रिसाइड। मैट्रिसाइड मीन्स मातृहंता या मातृहत्या। तो मातृहंता या मातृहत्या मीन्स द मर्डर या द मर्डरर और मर्डर ऑफ वंस ऑन मदर, यानी वैसा व्यक्ति ना जो अपने स्वयं की माँ को हत्या कर देता है, उसको हम लोग मैट्रिसाइड बोल सकते हैं। आप जानते हैं कि इसको हम लोग इंग्लिश भी देखेंगे और उसका प्रोनंसिएशन देखेंगे, इंग्लिश प्रोनंसिएशन देखेंगे, इंग्लिश देखेंगे, इंग्लिश प्रोनंसिएशन देखेंगे, उसका हिंदी देखेंगे और इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में देखेंगे उसके सेंटेंस जो भी है, मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और हिंदी वालों के लिए हिंदी में देखेंगे। तो ये आपका बिल्कुल एक मतलब आम काम और गुठली का दाम वाला हिसाब है, ठीक है। हिंदी में भी आपको मिल जा रहा है वही चीज़ और इंग्लिश में भी मिल जा रहा है, ओके, दोनों मिल जा रहा है आपको। तो चलिए बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। मैट्रिसाइड का मतलब होता है माता की हत्या, ठीक है, या मातृहत्या। द मर्डर और मर्डर ऑफ वंस ओन मदर, माता, अपनी माता की हत्या करने वाले को मातृहत्या बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पैट्रिसाइड। पैट्रिसाइड मीन्स पितृहंता या पितृ की हत्या। पितृ की हत्या या पितृहंता बोले तो द मर्डर और मर्डर ऑफ वंस ऑन फादर। अगर कोई व्यक्ति अपने पिता को हत्या कर देता है, पिता को मार देता है, किसी तरह से हत्या कर देता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पैट्रिसाइड। वाओ, दिस मैन वाज वेरी पैट्रिसाइड, ओके। तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, मैट्रिसाइड माता की हत्या, द मर्डर ऑफ वंस ऑन मदर। पैट्रिसाइड मीन्स द मर्डर ऑफ वंस ऑन फादर, ठीक है। नेक्स्ट किडनैप, 53। किडनैप काफ़ी डेंजर डेंजर वर्ड है ना, कोई बात नहीं, सो सीखना है, ठीक है, कहीं से भी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो किडनैप, अपहरण, टू कैरी अवे अ पर्सन फोर्सिबली, मतलब किसी व्यक्ति को जबरदस्ती वहाँ से ले जाना, वहाँ से भगा देना, उठा कर ले जाना, ठीक है, किसी व्यक्ति को जबरदस्ती उठा लेना, ले जाना, उसको कहते हैं अपहरण, सॉरी, और इंग्लिश में बोलते हैं उसे किडनैप, KIDNAP, किडनैप, स्पेलिंग ध्यान में रखिएगा, किडनैप। टू कैरी अवे अ पर्सन फोर्सिबली इज नोन एज किडनैप। नाउ मेडिएवल, मेडिएवल, मेडिएवल मीन्स बिलोंगिंग टू द मिडिल एज, मध्ययुग से संबंधित, इज नोन एज मध्ययुगीन, जिसको हम लोग मेडिएवल बोलते हैं, ठीक है, MEDIEVAL, मेडिएवल। मेडिएवल मीन्स मध्ययुगीन, बिलोंगिंग टू द मिडिल एजेज, हाँ। नेक्स्ट मैटिनी, MATINEE, मैटिनी। मैटिनी मीन्स MATINEE, मैटिनी, दोपहर बाद का सो, दोपहर के बाद का सो जो होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, मैटिनी कहेंगे उसको। इसके बाद यहाँ पर सिनेमा शो विच इज़ हेल्ड इन द आफ्टरनून, सिनेमा शो जो दोपहर के बाद शुरू हो उसको हम लोग मैटिनी बोल सकते हैं, MATINEE, मैटिनी। नेक्स्ट नोटोरियस, NOTORIOUS, नोटोरियस, कुख्यात, अ मैन विच
ईविल रेपुटेशन, वह व्यक्ति जो बदनाम हो, वैसा व्यक्ति जो बदनाम हो उसको नोटोरियस बोल सकते हैं। स्पेलिंग ध्यान से, NOTORIOUS, नोटोरियस, ठीक है, NOTORIOUS, नोटोरियस। नोटोरियस मीन्स कुख्यात, वह व्यक्ति जो बदनाम हो, या अ मैन विच ईविल रेपुटेशन, ईविल रेपुटेशन इज नोन एज नोटोरियस। मैनुस्क्रिप्ट, मैनुस्क्रिप्ट मीन्स पांडुलिपि, हाँ, हैंड रिटन पेजेस ऑफ लिटरेरी वर्क्स या लिटरेरी वर्क्स, साहित्यिक कृति के हाथ से लिखे पृष्ठ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाथ से लिखे हुए पृष्ठ को क्या बोलते हैं, मैनुस्क्रिप्ट। मैनुस्क्रिप्ट मीन्स, इसको हस्तलिपि भी बोलते हैं, ठीक है, पांडुलिपि यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम लोग हस्तलिपि के भी इसको बोल सकते हैं, ओके। इसके बाद यहाँ पर हैंड रिटन पेजेस ऑफ लिटरेरी वर्क, साहित्यिक कृति के हाथ से लिखे पृष्ठ। नेक्स्ट 58 नंबर है नैमसेक, नैमसेक नाम राशि या समनाम, वेरी गुड। नामशक है ना, नेमशक, NAMESAKE, नेमशक मीन्स पर्सन हैविंग द सेम नेम इज नोन एज नेमशक। जिसका नाम दूसरे से मिलता जुलता हो या एक समान हो उसको हम लोग नाम राशि या सम नाम बोल सकते हैं, और इंग्लिश में बोलेंगे पर्सन हैविंग द सेम नेम इज कॉल्ड या इज नेमशक, NAMESAKE। नोवाइस, NOVIC, नोविस, नोविस मीन्स नौसिखिया, NOVIC, नोविस, नौसिखिया। वन हु इज न्यू टू सम ट्रेड और प्रोफेशन, वन हु इज न्यू टू सम ट्रेड एंड प्रोफेशन इज नोन एज नोवाइस, नोविस मीन्स नौसिखिया। जो किसी व्यापार या धंधे में नया हो जिस उसको हम लोग नोवाइस बोल सकते हैं, नोविस, ठीक है। नेक्स्ट 60 नंबर है ओमनीपोटेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ओमनीपोटेंट, ये बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है, बिल्कुल ध्यान में रखना है, 60 नंबर जो है ये ओमनीपोटेंट बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है, ओके। स्पेलिंग के साथ अभी इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है, क्या है ये, OMNIPOTENT, ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट मीन्स सर्वशक्तिमान, वन हु इज ऑल पावरफुल, जो सब प्रकार से शक्ति से पूर्ण हो उसको हम लोग ओमनीपोटेंट बोलते हैं, वैसा व्यक्ति जो सब प्रकार के शक्ति से संपूर्ण हो उसको हम लोग ओमनीपोटेंट बोलते हैं। ओमनीपोटेंट वन हु इज ऑल पावरफुल इज नोन एज ओमनीपोटेंट। वुड ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट सर्वव्यापक, वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, द गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, राइट और रॉन्ग, राइट, बिकॉज गॉड एक ऐसी चीज है जो हर जगह पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, हर जगह पे उपस्थित होते हैं, तो ऐसा विश्वास होना चाहिए, ठीक है, यानी कि यहाँ पे सर्व व्यापक, हाँ, जो सब जगह विद्यमान हो, ओमनी प्रेजेंट का मतलब वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर इज नोन एज व्हाट इज गुड, ओमनी प्रेजेंट। नाउ नेक्स्ट इज हियर, नेक्स्ट यहाँ पर है ऑप्टिमिस्ट आशावादी, ऑप्टिमिस्ट आशावादी, OPTIMIST, ऑप्टिमिस्ट आशावादी। वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ अ थिंग, जो किसी वस्तु के उजले पक्ष को ही देखता हो उसको हम लोग आशावादी बोल सकते हैं। वन हु लुक एट द ब्राइट साइड ऑफ अ थिंग इज नोन एज ऑप्टिमिस्ट। नेक्स्ट पैनेशिया, PANACEA, पैनेशिया, ठीक है, PANACEA, पैनेशिया मीन्स रामबाण औषध, रामबाण औषध, ठीक है, पैनेशिया, रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, सभी रोगों का इलाज को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पैनेशिया, PANACEA, पैनेशिया मीन्स सभी रोगों का इलाज, ठीक है, यानी अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज। नेक्स्ट है 64 नंबर पॉलियंड्री, POLYANDRY, पॉलियंड्री, पॉलियंड्री मीन्स होता है बहुपतित्व, ठीक है, बहुपतित्व, प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट अ टाइम, बहुपतित्व जिसको बोलते हैं इसको पॉलियंड्री बोल सकते हैं, ठीक है, एक समय में एक से अधिक पतियों से विवाह करने की क्रिया को हम लोग बहुपतित्व बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर पॉलियंड्री मीन्स, एक बार फिर मैं रिपीट करने वाला हूँ, POLYANDRY, POLYANDRY, पॉलियंड्री मीन्स प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट अ टाइम, प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट अ टाइम इज नोन एज पॉलियंड्री। नेक्स्ट है पॉलीगैमी, पॉलीगैमी, POLYGAMY, पॉलीगैमी मीन्स बहुपत्नित्व, बहुपत्नित्व, ठीक है, प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ एट अ टाइम, एक
इज नोन एज पॉलीगैमी। ठीक है, पॉलीगैमी मीन्स यस हैविंग ऑफ प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ एट अ टाइम, एक समय में एक से अधिक पत्नियों का होना इज नोन एज पॉलीगैमी। नेक्स्ट पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम मीन्स मरणोपरांत चीरफाड़। पोस्टमार्टम का मतलब मरण, इसका स्पेलिंग देखिएगा ध्यान से, पी ओ एस टी एम ओ आर टी ई एम, ध्यान से पी ओ एस टी एम ओ आर टी ई एम, पोस्टमार्टम। ठीक है, पी ओ एस टी एम ओ आर टी ई एम, पोस्टमार्टम मीन्स मरणोपरांत की चीरफाड़। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ बॉडी हेल्ड आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद शव की डॉक्टरी जांच को हम लोग क्या बोलते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, पोस्टमार्टम, अभी तो बताया था मैंने। ठीक है, पोस्टमार्टम, ओके, क्या है ये? पी ओ एस टी एम ओ आर टी ई एम, ठीक है, पी ओ एस टी एम ओ आर टी एम, पोस्टमार्टम, मरणोपरांत की चीरफाड़ को। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ बॉडी हेल्ड आफ्टर डेथ। नेक्स्ट है पेसिमिस्ट, पेसिमिस्ट मीन्स होता है निराशावादी, पी ई डबल एस आई एम आई एस टी, पेसिमिस्ट, पी ई डबल एस आई एम आई एस टी, पेसिमिस्ट, वन हु लुक एट द डार्क साइड ऑफ थिंक, वन हु लुक एट द डार्क साइड ऑफ द या ऑफ थिंग्स, निराशावादी होता है पेसिमिस्ट का मतलब, पी ए पी ई डबल एस आई एम आई एस टी, एक बार फिर से, पी ई डबल एस आई एम आई एस टी, पेसिमिस्ट मीन्स क्या होता है? निराशावादी। जो व्यक्ति किसी जो किसी वस्तु के खराब पक्ष को ही देखता हो उसको हम लोग निराशावादी बोलते हैं या पैसिमिस्ट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पोस्टस्क्रिप्ट, पी ओ एस टी सी आर आई पी टी, पोस्टस्क्रिप्ट, पश्चलेख, एनी थिंग रिटन इन द लेटर आफ्टर इट हैज़ बीन साइंड, एनी थिंग रिटन इन द लेटर आफ्टर इट हैज़ बीन साइंड इज नोन एज पोस्टस्क्रिप्ट, पी ओ एस टी पी ओ एस टी एस सी आर आई पी टी, एक बार फिर से, पी ओ एस टी एस सी आर आई पी टी, पोस्ट स्क्रिप्ट। ठीक है, पोस्ट स्क्रिप्ट, पश्चलेख, किसी पत्र के लिखे जाने और हस्ताक्षर होने के बाद जोड़े गए शब्द को क्या बोलते हैं? पोस्ट स्क्रिप्ट। कोई भी लेटर लिख दें आप, अब उसके बाद हस्ताक्षर भी हो गए, उसके बाद हम लोग जब कोई भी उसमें वर्ड को ऐड करते हैं उसको हम लोग पोस्ट स्क्रिप्ट बोलते हैं। एनी थिंग रिटन इन लेटर आफ्टर ही हैज़ बीन साइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर रेड टैपिज्म, आर ई डी रेड टैपिज्म, टी ए पी आई एस एम, टैपिज्म, रेड टैपिज्म मीन्स लाल फीता शाही, लाल फीता शाही। टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, बहुत अधिक दफ्तरी औपचारिकता, बहुत अधिक दफ्तरी औपचारिकता को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? लाल फीता शाही, और इंग्लिश में रेड टैपिज्म, रेड टैपिज्म, टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी। नेक्स्ट है सिनोनिम्स, सिनोनिम्स है ना, एस वाई एन ओ एन वाई एम एस, सिनोनिम्स को आखिर कहते क्या हैं? पर्यायवाची शब्द, वर्ड्स विच हैव द सेम मीनिंग इज नोन एज सिनोनिम। आप ये जानते होंगे बहुत पहले से भी, तो सिनोनिम का स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है माय डियर। ठीक है, सिमोनेंट सिमोनेंस जो है ना, सिनोनिम्स वो पूछ लिया जाता है एग्जामों में अक्सर, तो इसका स्पेलिंग को ध्यान से देख लीजिए एक बार, एस वाई एन ओ एन वाई एम एस, अक्सर एग्जाम में गलती होता है यहाँ पर कि लास्ट में जो है ना एम ई एस लगा देता है, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पे हम लोग लास्ट में एस वाई एन ओ एन जो है यहाँ पर इसके बाद वाई एम एस तक ही छोड़ देंगे, ई एस वाले गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सिनोनिम्स का स्पेलिंग ओवर लास्ट टाइम फिर से, एस वाई एन ओ एन वाई एम एस, एस वाई एन ओ एन वाई एम एस, सिनोनिम्स, सिनोनिम्स का मतलब पर्यायवाची शब्द, वर्ड्स हैविंग द सेम मीनिंग इज नोन एज सिनोनिम्स। नेक्स्ट है स्मगलर, एस एम यू डबल जी एल ई आर, यहाँ भी बेस्ट वर्ड है ये भी ठीक है, यहाँ पे स्मगलर में आपको एग्जाम में दिया जा सकता है डबल एल ए आर दिया जा सकता है लास्ट में, बट ए आर वाला वर्ड को आपको गलत करना है, आपको सही क्या चुनना है, तो सही आपके पास स्मगलर का एस एम यू डबल जी एल ई आर, दिस इज योर राइट वर्ड। ठीक है, एक बार फिर से, एस एम यू डबल जी एल ई आर, ठीक है, स्मगलर, स्मगलर मीन्स तस्कर। टू इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स विदाउट पेइंग कस्टम ड्यूटी, ये जो है ना निषिद्ध है ना, निषिद्ध या विषिद्ध माल की चुंगी की महसूल दिए बिना, इसको हम अपने शब्दों में समझा रहे हैं आपको, मतलब कि बिना पैसा दिए बिना किसी चीज़ को वहाँ से
दूसरे देश में लाना और यहाँ से दूसरे देश में भेजने को हम लोग क्या कहते हैं, तस्कर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्मगलर, SMUGGLER, स्मगलर, एक बार फिर से SMUGGLER, स्मगलर मीन्स तस्कर, टू इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स विदाउट पेइंग कस्टम ड्यूटी। नाउ नेक्स्ट नंबर इज वेजिटेरियन, VEGETARIAN, वेजिटेरियन, वेजिटेरियन मीन्स शाकाहारी, वन हु ईट्स वेजिटेबल ओनली, जो केवल साग सब्जियाँ खाते हो, पर जो अंडा मछली मांस नहीं खाते हैं उनको हम लोग वेजिटेरियन बोलते हैं और शाकाहारी बोलते हैं, ठीक है, उनको हम लोग वेजिटेरियन बोलते हैं। हाँ, नेक्स्ट है यहाँ पर वेजिटेरियन का स्पेलिंग, VEGETARIAN, वेजिटेरियन, वन हु ईट्स वेजिटेबल ओनली, ठीक है, ये तो बता चुके हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर वेनियल, ठीक है, VENIAL, वीनियल, वीनियल का मतलब क्षम्य, पार्डोनेबल फॉल्ट, वह अपराध जो क्षमा करने योग्य हो, ध्यान रखिएगा, वह अपराध जो क्षमा करने योग्य हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वीनियबल, VENIAL, वीनियल, ठीक है, VENIAL, वीनियल मीन्स क्षम्य, वह अपराध जो क्षमा करने योग्य हो। नेक्स्ट है यहाँ पर वेटरन, ठीक है, VETERAN, वेटरन, वेटरन मीन्स अनुभवी, अ पर्सन पोजेसिंग लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ मिलिट्री सर्व और ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, ठीक है, वह व्यक्ति जिसे सैनिक सेवा या किसी पेशों का अच्छा खासा अनुभव हो, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेटरन, ठीक है, वेटरन, VETERAN, वेटरन का मतलब अनुभवी, और अ पर्सन पोजेसिंग लॉन्ग एक्सपीरियंस या हाँ ऑफ मिलिट्री सर्विस और एनी ऑक्यूपेशन, दैट इज नोन एज वेटरन, ठीक है। नेक्स्ट है जूलॉजी, जूलॉजी, जूलॉजी में जंतु विज्ञान, द साइंस डीलिंग विथ द लाइफ ऑफ एनिमल्स इज नोन एज जूलॉजी। यहाँ पर आपके पूरे थर्ड, वन पार्ट, टू पार्ट एंड थर्ड पार्ट, तीनों का तीनों आपका कंप्लीट होता है। तो वीडियो आपको बिल्कुल हेल्पफुल हुआ है, और अगर नहीं हुआ है तो तीनों वीडियो को फिर से एक बार देखिए, उसको फिर कमिटमेंट कीजिए कि इस बार जरूर करना है, तो जरूर करना है, ठीक है। तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे नए नए वीडियो और बहुत यूज़फुल वीडियो को अपलोड किया जाता है, जो कि आपके लिए पता नहीं कौन सा वीडियो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए, ठीक है। जस्ट ड्रॉप अ कॉमेंट इन द कॉमेंट बॉक्स एंड टेल मी योर एक्सपीरियंस, ओके, थैंक यू, थैंक्स।